प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में 12:44:08 पर शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की नींव रखी। करीब 492 साल में मंदिर बनने का सपना देख रहे हर राम भक्त की मुराद पूरी हो गई। मंदिर के भूमि पूजन का जश्न देश भर में लोगों ने अपने अपने तरीके से मनाया। खरगोन में भी कुछ युवकों ने पटाखे चलाकर जश्न मनाना चाहा, लेकिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस दौरान पुलिस न सिर्फ युवकों से मारपीट की बल्कि उन्हें पकड़कर थाने ले गई। राम भक्तों की खुशहाली पर पुलिस ने डाला खलल। आतिशबाजी कर रहे लोगों पर फूटा पुलिस का गुस्सा। श्री राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न मनाना है गुनाह। पुलिस के तानाशाही रवैये के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। बहुप्रतीक्षित अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई भगवा रंग में रंगाकर जय श्री राम का जय घोष करता नजर आया। इस ऐतिहासिक अवसर पर जहां सड़क चौराहे पर आतिशबाजी की जा रही थी, तो मंदिर और अपने अपने घरों को दीपों से प्रज्वलित किया जा रहा था। मानो लग रहा था एक बार फिर राम राज्य की स्थापना होने वाली है। लेकिन खुशी के इस पल में खरगोन से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सराफा बाजार में एक राम भक्त को आतिशबाजी करना भारी पड़ गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ना सिर्फ उसके पटाखे जब्त कर लिए, बल्कि पुलिस अधिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे राम भक्त को चाटा जड़ दिया। युवक का कसूर बस इतना था कि वह अयोध्या में बनने वाले ऐतिहासिक मंदिर की खुशी में आतिशबाजी कर रहा था। आप खुद ही देख लीजिए पुलिस के तानाशाही रवैये की एक तस्वीर। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस थाने का घेराव कर दोषियों अधिकारियों की कार्रवाई की मांग की गई। खास बात यहां थी, जहां पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट कर उसे गिरफ्तार कर लिया, वहीं रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने कार को जलाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जब दो युवक बाइक से कार को जलाने आए थे, जो लोगों को देख कर भागने में सफल हो गए। क्या घटना हुई थी? कल रात को हम लोग तो सो चुके थे, 10 मिनट पहले ही सोए थे घर के अंदर, और इसके अंदर ऐसा ब्लास्ट हुआ जैसे कोई बम फूटा हो। तो आसपास के लोग देख रहे थे, आसपास के लोग बाहर निकल के आए, उन्होंने एक व्यक्ति को इसको गाड़ी के पास से मोटरसाइकिल लेके जाते हुए भी देखा क्या, और इसको पेट्रोल से आग लगी थी। पेट्रोल की बाटल वहाँ से उठा के हमने सांप को दी, इधर के कांच का कवर उधर पीछे पड़ा था वो निकाल के दिया, और हमने फिर गाड़ी की आग बुझी और हमने कंप्लेन लिखाई TI साहब को। वो TI साहब भी आए थे, DSP भी आए थे, SP भी आए थे, मतलब कम से कम 25 बार आई थी वो पुलिस की उसको चेक करने के लिए। और इन लोगों ने उसको वो अपने वो झाड़ के कार्नल तक भागते हुए मोटरसाइकिल से देखा था जो व्यक्ति आया था। हम लोगों को नहीं मालूम, हम लोग घर के अंदर थे जब तक वो व्यक्ति भाग चुका था। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं गणपति गुप्ता लिखता हूँ। राम भक्तों की खुशी में खलल डालने पर खरगोन के हिंदूवादी संगठन और व्यापारियों ने शहर बंद रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। पुलिस कार्य प्रणाली से नाराज लोगों ने एक विशाल रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम का ज्ञापन SDM को सौंपा गया। आज जो पूरे विश्व में राम जन्मभूमि लला की जो पूजन किया गया, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सबको ये संदेश दिया कि आप घर घर दीपक लगाएं, दिवाली मनाएं, खुशियां मनाएं, उन्हीं का आदेश का पालन करते हुए पूरे नगर में हमने मंदिरों में अपने घरों में दीपक जलाए, खुशियां मनाई। उसी के उपरांत कल रात्रि को 9 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों ने हमारे दीपक लगाने वाले भाइयों के ऊपर, हिंदू सकल इनके ऊपर आक्रमण किया, पुजारियों के ऊपर आक्रमण किया, आघात किया। हमने आज पुजारी संघ और पूरे विश्व सकल हिंदू
हिंदू संघ के माध्यम से सारे संगठनों का सहयोग लेकर आज नगर को बंद रखा, नगर बंद का आह्वान किया और आदरणीय माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि होने वाले अत्याचार जो ADM जो पुलिस वाले हर घर में करते हैं, हमारे भाइयों को मारते हैं, किसने अधिकार दिया? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दीपक लगाओ पटाखे फोड़ो तो पुलिस कर्म हमारे भाइयों पर हाथ उठाते हैं, मारते हैं। हमने हमारी मांग रखी है इन सबको सस्पेंड किया जाए और जिन्होंने आघात हमला किया उनको गिरफ्तार करके सजा सुनाई जाए। आज आपने विरोध में बाजार भी बंद रखा? आज हमने पूरा नगर बंद रखा है, सारे प्रतिष्ठानों ने बंद रखा है। SGOP ने महिलाओं के ऊपर भी गाली गलौज की है और उन्हें पुजारी जगदीप ठक्कर पूरा देश कल माननीय प्रधानमंत्री जी 500 वर्षों का जो हमारा संघर्ष था हिंदू समाज का श्री राम जी के मंदिर को लेकर उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा था। पूरा देश कल अपने अपने घरों पर दुकानों पर मिठाइयां बांट रहा था, दीपक लगा रहा था, पटाखे फोड़ रहा था। खरगोन में भी कल यही हो रहा था, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के सामने खुशियां मना रहे थे। पुलिस प्रशासन के SGOP साहब और SGM साहब आए और व्यापारियों को बर्बरता तरीके से मारा, प्रतिष्ठान से निकाल के मारा। यह पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी है व्यापारियों को और महिलाओं के साथ भी गाली गलौज और अभद्रता की है। और पुलिस के द्वारा कल ये बताया गया कि हम हमारे पावर का उपयोग देते हैं। दूसरा इसका परिणाम यह हुआ कि असामाजिक तत्व द्वारा कल रात को 7-8 स्थानों पर हिंदू समाज के लोगों को मारा गया, कारें जलाई गई, दूसरे धर्म के लोगों ने कार जला दी और आगजनी शहर में ये घटना की है। इसी के उपलक्ष में सकल हिंदू समाज, सारे व्यापारी, किसान, छात्र, सारे लोगों ने आज अपना प्रतिष्ठान बंद किया है। सारे लोग इकट्ठा होकर प्रशासन के सामने यही मांग कर रहे हैं कि कल रात को घटना करने वाले आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए और कल SGM और SGO पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने पावर का गलत उपयोग किया है, इस बात का हिंदू समाज विरोध कर रहा है। वहीं क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल ने पुलिस द्वारा की गई मारपीट की घटना की निंदा करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। SDM और SDP को हटाने की मांग भी की है, पूरा खरगोन शहर में। पहले तो पूरे देश भर में खुशी का वातावरण है इस बात को लेकर कि राम जी के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन कल था और लाखों कार सेवकों के मन की इच्छा और हजारों करोड़ों देशभक्तों की इच्छा के अनुसार राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ और कहीं ना कहीं खुशी का इजहार व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुरूप भी करता है। और मुझे लग रहा है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं दीपोत्सव की तरह ये उत्सव मनाया गया। फिर भी कोरोना संक्रमण को लेकर पूरा देश चिंतित भी है और उस पर कहीं ना कहीं कानूनी अमल का दामन भी पहना हुआ है। फिर भी लोगों की मन की भावनाएं थी, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा था कि भाई अपने जितने भी शासकीय मंदिर है वहाँ पर दीपों का उत्सव होना चाहिए, वहाँ पर रामायण का पाठ होना चाहिए। इस प्रकार कई प्रकार के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको काम करने का निर्णय भी लिया था, परंतु दुर्भाग्य से खरगोन की भी हमारे देशभक्त लोग इस बात का खुशी का इजहार कर रहे थे, परंतु एक ऐसी घटना जिसके बारे में कहना हमें भी ठीक नहीं है क्योंकि यह देश भी राम का है और हम सब भी राम के हैं, परंतु जो निर्णय न्यायपालिका ने दिया उस निर्णय के अनुरूप काम करने के लिए जनता भी काम कर रही है। पर हमारी खुशी का इजहार फटाके फोड़कर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पुलिस के एक उच्च अधिकारी द्वारा जो घटना दुर्घटना कल की गई उसके कारण से पूरा नगर का वातावरण कहीं ना कहीं दूषित हुआ है और निश्चित तौर पर उसका आक्रोश आज भी खरगोन में व्यापारी संघ द्वारा और व्यापारियों के द्वारा बंद भी किया गया और उन्होंने कलेक्टर को उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन भी दिए हैं। मुझे लगता है कि इसमें जांच में जो भी अधिकारी इसमें पाए जाएंगे उस पर उचित कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरी कार्रवाई को लेकर गंभीर भी है। मैंने पूरे उच्च अधिकारियों से बात भी करी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी मैंने अवगत कराया है, हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्र जी को भी इस परिस्थिति से अवगत कराया है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ निर्णय होगा और इस प्रकार की घटना खरगोन में न घटे इस पर कहीं कहीं कानूनी अमलाजामा पहनाया जाएगा। भैया इस पर लेकर आपने ट्वीट भी किया है और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी ट्वीट किया। निश्चित तौर पर मैं इस बात को जानता हूं कि ये सरकार
है जो देश को चलाने वाली सरकार है और देशभक्तों की सरकार है और कोड के अनुरूप चलने वाली हम सब लोग हैं। और निश्चित तौर पर जो कल की घटना घटी है, जिस माध्यम से घटी, वो वास्तव में दुखद घटना है। उस बात का हमें दुख भी है और निश्चित तौर पर उसको लेकर मैंने जहाँ पर बात करी, इसलिए मैंने भी उसको ट्वीट के माध्यम से मेरी भावनाओं को रखा है, क्योंकि मैं भी जनता का जनप्रतिनिधि हूँ और सरकार के अनुरूप काम करने की मेरी भी इच्छा है और मैं जनता की इच्छा को हमारी सरकार में रख पाएँ और उस पर कुछ ना कुछ न्याय करा पाएँ, ये हम सब की भूमिका है। इसलिए मैंने अपने माध्यम से मेरे आईडी से ट्वीट भी किया है। निश्चित तौर पर सरकार भी गंभीर है और कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर उसका परिणाम आपके सामने कहीं पर मिलेगा। मैं जनता के साथ में हूँ, जनता के अनुरूप अच्छा निर्णय होगा। खरगोन पुलिस द्वारा राम भक्त के साथ की गई मारपीट पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र को ट्वीट करते हुए कहा कि खरगोन की पुलिस बंगाल जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? आखिर मध्य प्रदेश में राम मंदिर का जश्न मनाना गुनाह है? बहरहाल देखना होगा कि राम भक्तों पर जुल्म ढाने वाले पुलिस अधिकारियों पर शासन का डंडा चलता है या नहीं। खरगोन से त्रिलोक रामणिकर की रिपोर्ट।